वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि कंबाइंड एम्स के एग्ज़ाम में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। प्लम्बिज्म इज आल्सो नोन एज लेड पॉइजनिंग, ये पहले एम्स में पूछा गया है। प्लम्बिज्म को किस नाम से जानते हैं? तो प्लम्बिज्म क्या होता है? लेड पॉइजनिंग होता है। CST इज नोन एज ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट, ठीक है। जो CST टेस्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता है, उसे हम ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। लिथियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, जो लिथियम कार्बोनेट है उसको हम मेनिया के अंदर यूज करते हैं या मूड डिसऑर्डर में इसे हम यूज करते हैं। ब्रेस्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ब्रेस्ट किसके मॉडिफिकेशन है? तो ब्रेस्ट जो मॉडिफिकेशन है वो किसके हैं? स्वेट ग्लैंड के। डायामीटर ऑफ RBC, ये एम्स में पूछा गया था कि RBC का डायामीटर कितना होता है। तो RBC का डायामीटर होता है 7 μm, यानी कि माइक्रोमीटर। फंक्शनल नर्स इज डू केयर ऑफ क्लाइंट, ये पूछा गया था कि फंक्शनल नर्स किसे कहते हैं, यानी कि जो पेशेंट की जो केयर करती है उसे हम फंक्शनल नर्स कहते हैं। ये भी दिल्ली एम्स में पूछा गया था कि फंक्शनल नर्स कौन सी होती है। तो जो प्राइमरी नर्स होती है उसी का ही नाम है फंक्शनल नर्स, यानी कि वो पेशेंट की डायरेक्ट केयर करती है। ये भी पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाटर लॉस बाय किडनी, किडनी के द्वारा कितना वाटर लॉस होता है? 500 ml, और 600 to 800 ml लॉस बाय स्किन, ठीक है। ये स्किन वाला पॉइंट एम्स के एग्जाम में पूछा गया था कि स्किन से द्वारा कितना लॉस होता है। तो स्किन के द्वारा 600 to 800 ml वाटर लॉस होता है। लिथियम साइड इफेक्ट इज हाइपोनेट्रेमिया, ये भी पूछा गया है कि लिथियम का साइड इफेक्ट क्या है। तो लिथियम का साइड इफेक्ट है हाइपोनेट्रेमिया। प्रोलॉन्ग्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग इज कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया, अगर आप नेजोगैस्ट्रिक सक्शन से प्रोलॉन्ग सक्शनिंग कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है? हाइपोकैलेमिया। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आल्सो फाउंड इन हाइपोकैलेमिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक पेशेंट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा, तो उसके अंदर होता है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपरकैलेमिया टाल टी वेव एंड फ्लैट पी वेव एंड वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पूछा गया है कि हाइपरकैलेमिया में क्या होता है। तो हाइपरकैलेमिया में टी वेव क्या हो जाती है? टाल हो जाती है। पी वेव क्या होती है? फ्लैट हो जाती है। और वाइड हो जाता है QRS कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो टी वेव है, पी वेव तो क्या हो जाएगी? एकदम फ्लैट हो जाएगी, ठीक है, और वाइड हो जाएगा QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और ये जो टी वेव है वो क्या हो जाएगी? टाल हो जाएगी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाइपोकैलेमिया ST सेगमेंट डिप्रेशन इन्वर्टेड टी वेव एंड प्रोमिनेंट यू वेव, ठीक है। हाइपोकैलेमिया में क्या होता है? तो हाइपोकैलेमिया में एक तो ST सेगमेंट का डिप्रेशन होता है और टी वेव क्या होती है? इन्वर्ट हो जाती है। जब टी वेव इन्वर्ट होगी तो किसकी तरह दिखाई देगी? प्रोमिनेंट यू वेव की तरफ। हाइपरटोनिक ग्लूकोज विद रेगुलर इंसुलिन आर यूज टू ट्रीट ऑफ हाइपरकैलेमिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो हाइपरटोनिक ग्लूकोज, ठीक है, और रेगुलर इंसुलिन, दोनों को यूज किया जाता है किसके लिए? हाइपरकैलेमिया के लिए। स्टोर ब्लड एडमिनिस्टर कोज हाइपरकैलेमिया, ये भी पूछा गया है कि जो स्टोर जो ब्लड होता है, यानी कि जो ज़्यादा समय तक, यानी कि ब्लड को हम 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो 35 डेज तक का वो ब्लड है, अगर उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हाइपरकैलेमिया, क्योंकि जो RBC होती है उनकी सेल की क्या होगी? डेथ होगी। जब पोटेशियम इंट्रासेलुलर होता है तो वो कहाँ आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी बाहर आ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। ये भी पूछा गया है। चौवेस्टिक साइन इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ फेशियल मसल्स ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया, ये पूछा गया है कि
चौवस्टिक साइन कहाँ होता है, तो ये फेशियल मसल्स पे होता है, और किसकी कमी की वजह से होता है, हाइपोकैल्सिमिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं हम। ट्रॉसस साइन इज ए कार्पल स्पाज्म इंड्यूस बाय इनफ्लेटिंग ब्लड प्रेशर कफ ड्यू टू हाइपोकैल्सिमिया। ये भी पूछा गया है कि अगर आप जो ब्लड प्रेशर कफ को प्रेस करते हैं या उसको फिल करते हैं और कार्पल के अंदर स्पाज्म होता है उसे, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ट्रॉसस साइन कहते हैं, और किसकी वजह से होता है ये, हाइपोकैल्सिमिया, यानी कि जब कैल्शियम की कमी हो जाती है उसकी वजह से ये होता है। हाइपरमैग्नेसेमिया, ठीक है, हाइपरमैग्नेसेमिया ये भी एम्स के अंदर पूछा गया है कि किसी को मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो रही तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम की जब भी टॉक्सिसिटी होती है तो उससे क्या होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ये एम्स के एग्जाम में पूछा गया है। एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम मैग्नेसेमिया हाइपरमैग्नेसेमिया, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी कि जो मैग्नीशियम है उसका एंटीडोट क्या हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये एम्स ऋषिकेश में भी पूछा गया है। रेस्पिरेटरी एल्कोसिस अकर, ठीक है, इन फीवर हाइपरवेंटिलेशन हाइपोक्सिया पेन ओवर वेंटिलेशन और हिस्टीरिया, ये पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी एल्कोसिस किस किस कंडीशन में होता है, तो रेस्पिरेटरी एल्कोसिस फीवर की कंडीशन में होता है, हाइपरवेंटिलेशन की कंडीशन में होता है, और हाइपोक्सिया की कंडीशन में होता है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्यों होगा, जब हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया होने की वजह से रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाश आउट होने लगेगा, इसकी वजह से एल्कोसिस होगा। और ओवर वेंटिलेशन और हिस्टीरिया की कंडीशन में भी ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस। सीवियर डायरिया कोज एसिडोसिस, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सीवियर डायरिया हो रहा है तो इससे क्या हो सकता है, तो सीवियर डायरिया से क्या हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एलन टेस्ट यूज आइडेंटिफाई एडिक्वेसी ऑफ अल्नार आर्टरी इट डन बिफोर एबीजी, ठीक है, ये पूछा जा चुका है कि एलन टेस्ट को किसकी पेटेंसी चेक करने के लिए करते हैं, तो रेडियल या फिर अल्नार के लिए, तो किसकी एडिक्वेसी चेक करने के लिए करते हैं इसको, अल्नार आर्टरी को, इट डन बिफोर एबीजी, और एबीजी के पहले इसे हम करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, सोडियम मेजर कैटाइन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, कैटाइन का मतलब होता है प्लस वाले आयन, तो सोडियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। पोटेशियम इज कैटाइन इंट्रा सेलुलर, पोटेशियम कौन सा कैटाइन है, इंट्रा सेलुलर है। ए पी टी टी, ठीक है, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, यूज टू मॉनिटर हिपेरिन थेरेपी, ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है ए पी टी टी किस में यूज करते हैं, तो ए पी टी टी किस में यूज करते हैं अपन, हिपेरिन थेरेपी को मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 20 से 36 सेकंड। नेक्स्ट पी टी आई एन आर यूज टू मॉनिटर वारफेरिन थेरेपी, ठीक है, पी टी आई एन आर किसके लिए यूज किया जाता है, वारफेरिन थेरेपी, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 9.6 से 11.8। ये एम्स दिल्ली के एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। क्लोटिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम कितना होता है, 8 to 15 मिनट। मोस्ट सेंसिटिव कार्डियो मार्कर एंजाइम इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी दिल्ली एम्स के 2016 के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि मोस्ट सेंसिटिव कार्डियो मार्कर कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, तो वो है ट्रॉप टी, ठीक है, ये आफ्टर 3 आवर बाद ही राइज हो जाता है एमआई के। एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि एल्ब्यूमिन क्या काम करता है, तो एल्ब्यूमिन क्या काम करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरम अमाइलेज राइज इन पेनक्रियाटाइटिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरम एमाइलेज किस में राइज होता है,
तो सीरम एमाइलेज जो राइज होता है वो होता है पेनक्रियाटाइटिस में, और नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी, 25 से 151 यूनिट। सीरम कोलेस्ट्रॉल इज, ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 140 mg पर dl से 200 mg पर dl के बीच में। नॉर्मल प्रोटीन लेवल, तो नॉर्मल प्रोटीन लेवल कितना होता है, 6 to 8 ग्राम पर dl, ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन 12 वीक्स 90 डेज 3 मंथ्स एगो ब्लड शुगर लेवल, जो ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन होता है वो 12 वीक 90 दिन या फिर 3 मंथ की पहले के ब्लड शुगर के लेवल को दिखाता है, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन कितने दिन पहले की ब्लड शुगर की लेवल को दर्शाता है, तो वो कितने दिन की, 12 वीक्स 90 दिन या फिर 3 मंथ, दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। पॉजिटिव वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ HIV, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है HIV का, तो पॉजिटिव यानी कि वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है। CD4 और CD8 का रेशो कितना होता है, तो CD4 CD8 का रेशो होता है 2:1 होता है। विटामिन के रिच सोर्स ऑफ ग्रीन लीफली वेजिटेबल, ठीक है, विटामिन के का रिसोर्स क्या है, तो ग्रीन लीफली वेजिटेबल है। सब क्लेवियल एंड इंटरनल जुगुलर वेन आर यूज टू सेंट्रल विनस कैथेटर, ये पूछा जा सकता है कि इन सेंट्रल विनस कैथेटर के लिए कौन कौन सी वेन को यूज करते हैं, तो सब क्लेवियल वेन और इंटरनल जुगुलर वेन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन एयर एम्बोलिज्म प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजिशन विद लोअर हेड देन फिट्री, ठीक है, अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो उसमें कौन सी पोजिशन प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें पोजिशन प्रोवाइड करेंगे अपन कौन सी, लेफ्ट लेटरल पोजिशन प्रोवाइड करेंगे और लोअर हेड देन फिट, ठीक है, हेड को लोअर की तरफ करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट एयर होती है, अगर हम हेड को लोअर करेंगे तो वो एयर एम्बोलिज्म मूव होकर वो हार्ट से यानी कि लंग्स की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। सेंट्रल विनस कैथेटर कन्फर्म बाय चेस्ट एक्सरे, ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल विनस जो कैथेटर है उसको यानी कि सेंट्रल लाइन है उसे किससे कन्फर्म करते हैं, तो चेस्ट एक्सरे से। 0.9% RLD5 आइसोटोनिक, ठीक है, तो 0.9% सेलाइन है या RL है, ठीक है, और D5 है, ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। फॉर IV कैनलाइजेशन इन इन्फेंट स्काल्प एंड फिट वेन आर मोस्ट सुटेबल, ये पूछा जा सकता है कि IV कैनलाइजेशन के लिए इन्फेंट के अंदर कौन सी सुटेबल वेन होती है, तो इन्फेंट के अंदर स्काल्प की वेन और फिट की वेन बहुत सूटेबल होती है, ठीक है। ये भी पूछा गया है, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर एंड AB पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिटेंट, ये पूछा गया है 2016 दिल्ली एम्स के एग्जाम के अंदर कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर है ओ नेगेटिव और AB पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिटेंट है। नेक्स्ट, When transfusion reaction occur, first should be stop blood transfusion, ये भी important है, कई exam में पूछा गया है, जब भी transfusion की कोई सी भी reaction होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो blood transfusion चल रहा है उसको आपको बंद करना है, ये पूछा जा सकता है exam के अंदर। Deferoxamine antidote of iron, iron का antidote क्या है, तो iron का antidote है deferoxa माइन, ठीक है। रेस RACE, रेस यानी रेस्क्यू, ए यानी अलार्म, सी यानी कन्फाइन,
एग्जिस्टिंग फायर इज एसेंशियल फायर मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। फायर मैनेजमेंट का कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके वार्ड के अंदर आग लग गई है तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को स्टॉप पहले करोगे या पेशेंट को वहाँ से निकालोगे या फिर आप एग्जिस्टिंग करोगे या कन्फाइन करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं उसको सेफ पैलेस पे लेके जाएंगे, इसके बाद में अलार्म हम बजाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना प्रायोरिटी होता है पेशेंट की सेफ्टी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर, हैंड वॉशिंग इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो है हैंड वॉशिंग। 1.5 to 2 inch डेप्थ चेस्ट कंप्रेशन इज गिवन इन अडल्ट। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि अडल्ट के अंदर हम चेस्ट को कितना कंप्रेशन करेंगे ड्यूरिंग CPR में, तो CPR के अंदर हम कंप्रेशन करेंगे 1.5 से 2 इंच डेप्थ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी दिल्ली एम्स के अंदर पूछा गया है कि अगर किसी पेशेंट को सर्वाइकल इंजरी हो रही है और आप उसको उसके एयरवे को ओपन करना चाहते हैं तो कौन सा मैनूवर आप यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे उसमें जा ट्रस्ट मैनूवर यूज टू ओपन एयरवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 100 कंप्रेशन इज गिवन इन 1 minute ड्यूरिंग CPR। CPR के दौरान कितने कंप्रेशन दिया जाता है, तो 100 कंप्रेशन दिए जाते हैं 1 minute के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एविस्ट्रेशन मीन्स प्रोट्रूजन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ सूचर साइट, इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन ओबेज क्लाइंट। एविस्ट्रेशन का मतलब पूछा गया है कई एग्ज़ाम में, एविस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये वुंड है और ये वुंड को आपने यहाँ से सिल रखा है, यानी कि यहाँ पे स्टिच लगा रखे हैं, लेकिन इस वुंड से ये जो इसके जो सूचर हैं वो ओपन हो गए और यहाँ से अंदर के जो ऑर्गन है प्रोट्रूजन हो जाना, उसे कहते हैं अपन एविस्ट्रेशन। एविस्ट्रेशन वुंड कवर विद नॉर्मल सलाइन, ये पूछा जा सकता है कि एविस्ट्रेशन के जो वुंड के जो कंटेंट है उससे किससे कवर करना है, तो नॉर्मल सलाइन के गोज पीस से। व्हेन गिविंग एनिमा प्रोवाइड सिम्स लेटरल पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ये भी कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है, दिल्ली एम्स में भी पूछा गया है, PGI में भी पूछा गया है कि एनिमा के देते समय हमें कौन सी पोजीशन देना है, तो हमें जो पोजीशन देना है वो कौन सी, सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन हमें प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नी चेस्ट पोजीशन गिवन ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, तो सिग्मोइडोस्कोपी के दौरान हम कौन सी पोजीशन देते हैं, नी चेस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो ड्रिप या ब्यूरेट से डिलीवर 60 ड्रॉप्स पर ml और मैक्रो सेट डिलीवर 15 to 20 ड्रॉप पर ml। ये भी जोधपुर एम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है जो दिल्ली एम्स ने कंबाइन कराया था। कई बार इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ब्यूरेट सेट दिया हुआ है और इतना फ्लूड आपको इतने टाइम में ख़त्म करना है, तो कितने ड्रॉप पर ml डालोगे, तो आपको पता होना चाहिए ब्यूरेट सेट जो होता है 60 ड्रॉप 1 ml में डालता है और मैक्रो ड्रिप सेट 50 to 20 ml ने 20 ड्रॉप पर ml में डिलीवर करता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एडेमा कूलनेस पेन इंडिकेट इनफिल्ट्रेशन, PGI में आया हुआ है। अगर आपकी जो IV साइट है वहाँ पे आपका एडेमा हो रहा है, पेन हो रहा है और कूलनेस हो रहा है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो वो इंडिकेट कर रहा है इनफिल्ट्रेशन को, किसको इंडिकेट कर रहा है वो, इनफिल्ट्रेशन को। हार्ड एंड कोल्ड लाइक वेन इंडिकेट, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्ड एंड कोल्ड लाइक वेन हो गई है वो किसको इंडिकेट करेगी, तो वो किसको इंडिकेट करेगी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लड साल्वेज मीन सक्शन फ्रॉम बॉडी केविटीज़,
ठीक है। ब्लड सैलवेज का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसको क्या करते हैं, जो बॉडी कैविटीज़ है वहाँ से सक्शन करते हैं, तो उसे कहते हैं अपन ब्लड सैलवेज। ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। एनी टाइप ऑफ रिएक्शन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट प्रायोरिटी स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर कोई से भी आपको रिएक्शन होती है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो क्या करना है, सबसे पहले हम जो ब्लड चल रहा है उसे क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोड्यूस हाइपरकैलेमिया, ठीक है। लंबार पंचर डन बिटवीन L3 L4, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है कि लंबार पंचर किसके बीच में करते हैं, तो लंबार पंचर करते हैं हम L3 L4 वर्टेब्रा के बीच में। सेंगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब यूज इन इसोफेजियल वेरिकोज, ठीक है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि सेंगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब किस में यूज करते हैं, तो सेंगस टेकन ब्लैक मोर ट्यूब इसोफेजियल वेरिकोज वेन के अंदर यूज करते हैं। कई बार इसका डायग्राम भी दे सकते हैं आपको, तो इसका डायग्राम आप देख लीजिए, ऐसा इसका डायग्राम है। रायल्स ट्यूब ऑब्लिक एनजी ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड हाई फाउलर पोजिशन, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है कि रायल्स ट्यूब और एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान हमें कौन सी पोजिशन प्रोवाइड करनी है, तो हमें कौन सी पोजिशन प्रोवाइड करनी है, हाई फाउलर पोजिशन, ठीक है। मिलर अबॉट ट्यूब यूज टू इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मिलर अबॉट ट्यूब किसके लिए यूज की जाती है, तो मिलर अबॉट ट्यूब इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन के लिए यूज की जाती है, और इसका ऐसा डायग्राम होता है, आपको डायग्राम या इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी वो दे सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड को भी इसके बारे में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मैंने काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड किया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए थैंक यू दोस्तों।